हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का लेसन 10 मीठी सारंगी को पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे इस चित्र में आप देख ही रहे हैं कि आदमी जो है सारंगी बजा रहा है और सभी कितने ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आवाज़ जो है वो मीठी है। जैसे संगीत सुनने में कितना अच्छा लगता है, उसी तरह से इसकी सारंगी भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने सारंगी को सुना तो उसकी जो आवाज़ थी वो सुनने में बहुत मीठी थी। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। मतलब वो ये सोच रहा था कि सारंगी को चखने से वो स्वाद में मीठी लगी होगी, इसलिए गांव वाले सब ये कह रहे हैं कितनी मीठी सारंगी है। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामत करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। भोला ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे संगीत का ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि इसे मैं चाटूंगा तो मुझे भी ये मीठी लगेगी। चलिए अब एक्सरसाइज फिल करते हैं। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, सही बात पर निशान लगाइए। पहला क्या है, सारंगी चखने पर मीठी थी, ये जो है गलत होगी। ठीक है, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही है, और सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, ये भी गलत है। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात का मतलब वो होता है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है, यानी अप्रिय बात। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भोला को इसलिए ऐसा लगा क्योंकि वो ये सोच रहा था कि सारंगी जो है मीठी है, लेकिन उसने उसे चाटा, लेकिन फिर भी उसे वो स्वाद उसे नहीं मिला। फिर भोला को सारंगी का साथ स्वाद क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने उसे चाट कर भी देखा, उसके छेद को मुँह में उड़ेल कर भी देखा, लेकिन कहीं से भी मीठे की एक बूंद उसके मुंह में नहीं गई। भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की सारंगी मीठी है।
भोला ने उसे चाट कर देखा है ना, उसको उसके छेद को मुंह में रख कर देखा। उसने कई तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि सारंगी जो है वो मीठी है कि नहीं है। अब खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रख कर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल इसलिए चढ़ाया होगा ताकि उसकी सारंगी पर धूल नहीं लगे, मिट्टी नहीं लगे, ठीक है। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? खोल जो है देखिए, सोफे पर चढ़ता है, रजाई पे चढ़ता है, गद्दों पर चढ़ता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम खोल चढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है गाओ बजाओ। सारंगी, ढोल, लिकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम, ठीक है। ये हमें लिखने हैं। जो तार वाले हैं उन्हें हम यहाँ लिखेंगे, जो थाप वाले हैं उन्हें उसके नीचे लिखेंगे, अन्य में वो आएंगे जो हाथ वाले और जो मुंह तार वाले नहीं हैं, ठीक है, वो आएंगे यहाँ पर। सारंगी, सारंगी को हम किस में रखेंगे? सारंगी आएगी तार वाले में, ठीक है। सारंगी तार वाले में आएगी, ढोलक थाप वाले में आएगा, तबला भी थाप वाले में, बांसुरी अन्य में आ जाएगी क्योंकि बांसुरी में तार नहीं होता, शहनाई तार वाले में आएगी, डफली हाथ से बजाई जाती है, सितार तार थाप वाले में आएंगे, गिटार तार वाले में आएंगे और अन्य में आ जाएगा हारमोनियम, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे इसे। अब ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो कि इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है, ठीक है। रेलगाड़ी में क्या बजता है पता है? रेलगाड़ी या बस में हम लोग जब जाते हैं तो सुना होगा है ना, तो रेलगाड़ी में क्या यूज़ करते हैं? एक तारा शह। और घर पर या किसी अवसर पर क्या यूज़ करते हैं? शहनाई, ढोलक, भजन कीर्तन में हारमोनियम, और तबला भी यूज़ कर सकते हैं, और स्कूल या किसी अवसर पे सितार, गिटार है ना। ओके, तो इस तरीके से हम ये करेंगे। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन सी चीज़ें मीठी लगती हैं? ठीक है, अच्छी लगती है, मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको बताइए, ठीक है। ये आप अपने आप से कीजिएगा। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? मीठे के अलावा खट्टा होता है, नमकीन होता है, कड़वा भी होता है। अब ये खाने पीने की चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको स्वाद के हिसाब से हमें लिखना है, ठीक है। आम जो खट्टा मीठा है उसे एक साइड में लिख देंगे, जो तीखा होता है खाने में उसे एक साइड लिख देंगे, ठीक है। हम मीठी चीज़ को एक साइड लिख देंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जैसे आम खट्टा मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, नमक भी नमकीन होता है, तो इस तरीके से आंवला का स्वाद कैसा होता है? कसेला होता है, अदरक भी कसेला होता है, तो शहद जो है चीनी के नीचे लिख देंगे, नींबू आम के नीचे लिख देंगे, नींबू भी खट्टा होता है ना, तो इस तरीके से हम इसे फिल कर लेंगे। नीचे लिखे शब्दों को बोल कर देखो, बांसुरी, बंसी, हंस और हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदी, ठीक है, या बिंदी लगाइए, यानी अनुस्वार और अनुनासिक का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब नीचे दिए गए चांद, ठीक है, जिसमें चंद्र बिंदी आएगी, चंदन में अंकी बिंदी लगेगी, मंगल मार में भी अंकी बिंदी, मांगना में चंद्र बिंदी, सुंदर में अंकी बिंदी, साप में चंद्र बिंदी, झांसी में भी चंद्र बिंदी, झंझट में अंकी बिंदी, कंकड़ में अंकी बिंदी, कापना में चंद्र बिंदी और अंधा में अंकी बिंदी और आंधी में चंद्र बिंदी। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, ओके, ठीक है। और बच्चों मेरे ख्याल से शहनाई जो है वो उसमें तार नहीं होता है,
शहनाई में तार नहीं होता है ना, शहनाई जो है मुंह से बजाई जाती है, ठीक है? तो उसे भी हम अन्य वाले उसमें लिख देंगे। ओके चलिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।